हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा पस्ता। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएससी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेमेस्टर वन देना चाहते हो या बीएससी फर्स्ट ईयर का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए कम से कम टाइम में। ठीक है, क्योंकि बीएससी वाले कभी कभी क्या करते हैं कि नीट की तैयारी करते हैं साथ में जो बायोलॉजीज होते हैं, या बीएससी करते करते वो कोई अदर कोर्सेज की भी तैयारी करते रहते हैं जिनके वजह से उन्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। टाइम कम मिलने की वजह से उन्हें तैयारी जो करने में प्रॉब्लम होती है या कम समय होती है पढ़ने के लिए, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि मैंने भी बीएससी का एग्जाम दिया है और बहुत कम टाइम में ही पढ़ के दिया है और काफ़ी बेटर रिजल्ट आ सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनको बस पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है, गाइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ गाइड रखे हैं, ठीक है, सॉल्व अनसॉल्व वो आपको दिखाने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा और पूरा बताएंगे हम अच्छे से कि कैसे आपको पढ़ना है इन गाइड से, ठीक है, और कौन कौन सी गाइड आपको मिलेंगी। और हाँ, ये चैनल क्या है, बीएससी वालों के लिए बनाया गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अगला वीडियो हम लाएंगे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो बीएससी का पेपर कैसे वाले, क्योंकि वहाँ इंग्लिश में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, हर जगह वो पढ़ने जाते हैं, चाहे कोचिंग हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर सारे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हिंदी मीडियम में कैसे पढ़े वो बताने वाले हैं, पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब की वीडियोस भी आपकी आने वाली है, ठीक है। तो और प्लेलिस्ट कुछ बने हैं बुक्स के भी, तो प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूंगा, बीएससी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो वो आप खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। अभी अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। पहली बात कि एग्जाम में जो बीएससी के होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी एक बुक आती है जिसको हम लोग कहते हैं अनसॉल्व। तो देखिए यहाँ पे केपीएच कंपनी है, इससे आपको मतलब नहीं है, यहाँ लिखा है अनसॉल्व पेपर, तो यहाँ हर साल के पेपर क्या होता है, अनसॉल्व दिया होता है, तो ईयर वाइज दिया होता है कि इस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे कोई चैप्टर एक लेसन दिया है, तो एक क्वेश्चन दिया है आपका, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, तो हम बोल रहे हैं आप सुनिए मेरी बातों को, क्वेश्चन दिया है उसके बगल में ईयर दिया है, तो ये आपको रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये अनसॉल्व ले लेने से आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वही बस पढ़ना है, ठीक है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर आप बायो से हैं तो आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ से है तो आपको क्या पढ़ना है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो एक ये मान लीजिए बॉटनी का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में बॉटनी का अनसॉल्व, ऐसे ही फर्स्ट ईयर में आपका ये जूलॉजी है, जूलॉजी का अनसॉल्व, ऐसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का अनसॉल्व, और उस चैप्टर का जो क्वेश्चन हर बार पूछता है वो मिल गया आपको। अब आंसर कहाँ से मिलेगा, एंसर के लिए उसी कंपनी का या किसी और कंपनी का सॉल्व आता है, क्वेश्चन आपको पता चल गया, सॉल्व लेके उस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। अब सोचेंगे कि हम डायरेक्ट सॉल्व लेके क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं, अनसॉल्व लेने की क्या जरूरत है, तो ये जो अनसॉल्व होता है उससे आपको सारे क्वेश्चन का पता चल जाता है, क्वेश्चन कोई नहीं छूटता है, सॉल्व में कभी कभी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मटेरियल ज्यादा होता है, तो सीधे आप इससे पढ़ेंगे, इसको आप जनरल भाषा में गाइड कह सकते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये होता है सॉल्व, ठीक है, सॉल्व होता है। और ये क्या करता है, मान लीजिए आपको जूलॉजी का पेपर वन देना है पहला पेपर, तो जूलॉजी का पेपर वन आता है एक बुक, जैसे ये थर्ड ईयर का है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पहला पेपर, ठीक है, क्योंकि अगर आप जूलॉजी देंगे 3 पेपर होते हैं जूलॉजी में, पहला दूसरा तीसरा, बॉटनी में भी 3 पेपर, केमिस्ट्री में 3 पेपर, तो आपको ये जो अनसॉल्व है जूलॉजी के लिए एक लेना है अनसॉल्व, बॉटनी के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक अनसॉल्व। अगर जब सॉल्व लेने जाएंगे तो इसमें इसका जो होता है 3 पेपर होता है, तो ये आपको जूलॉजी के लिए 3, बॉटनी के लिए 3 और केमिस्ट्री के लिए 3, 9 पेपर होते हैं पूरा, मगर इसमें अनसॉल्व में एक ही में आपका तीनों पेपर दे देता है अनसॉल्व, क्योंकि सॉल्व तो है नहीं तो ज्यादा जगह लेता नहीं है, तो एक ही में दे देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या करना है, समरी के लिए बता देते हैं कि आपका अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 अनसॉल्व आएगा, ठीक है,
और अगर आपको सॉल्व लेना होगा, सॉल्व होगा जिसमें आंसर होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तीन सब्जेक्ट है तो 9 बुक लगेंगी सॉल्व का, और इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आप पढ़ के दे सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए और एग्जाम में लिखते कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखना है ये ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।